आज इस वीडियो में बात करने वाले कॉन्ट्रा बाउचर किसे कहते हैं और कॉन्ट्रा बाउचर की एंट्री हम कैसे पास करेंगे। तो चलिए मैं आप लोग को बता देना चाहूँगा कि जो भी थ्योरी होता है तो थ्योरी किसके माध्यम से पास होता है, इंटरव्यू के माध्यम से आप लोग को बताया जाता है और जो भी क्लास में आप लोग को प्रोवाइड करता है रिकॉर्डिंग के माध्यम से। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले कॉन्ट्रा बाउचर किसे कहते हैं, जैसे कि इनका वीडियो देखे होंगे रिसीट बाउचर का, तो आज इस वीडियो में ये बताएंगे कॉन्ट्रा बाउचर क्या होता है, कुछ एग्जांपल और कुछ सवाल का रिप्लाई भी देंगे कैसे कोई भी सवाल यहाँ पर हम एंट्री पास करते हैं। तो बने रहिए इन तक। तो चलिए सबसे पहले पूछते हैं कॉन्ट्रा बाउचर किसे कहते हैं। तो सबसे पहले बाउचर क्या होता है ये समझना जरूरी है। तो क्या आपको पता है कि बाउचर कितने होते हैं स्टैंडर्ड? 8 सर। 8 होते हैं? यस सर। तो 8 बाउचर के नाम बता सकते हैं? यस सर। नंबर 1 रिसीट बाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, जनरल वाउचर, सेल वाउचर, परचेस वाउचर, डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर। वेरी गुड। तो आपने देखा कि कितने होते हैं, देयर आर 8 स्टैंडर्ड वाउचर। नंबर 1 आप देखेंगे पहला रिसीट वाउचर, पेमेंट वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर, सेल परचेज वाउचर और आप देखेंगे क्रेडिट नोट वाउचर, डेबिट नोट वाउचर और जनरल वाउचर, जिसकी शॉर्टकट की आप लोग को पता होना चाहिए तभी जाकर आप एंट्री भी पास कर लेंगे इजीली से। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ रिसीट वाउचर मैंने आप लोग को बता दिया है रिकॉर्डिंग के माध्यम से, क्लास भी प्रोवाइड किया है और आप देखेंगे पेमेंट वाउचर भी हमने आपको बता दिया है थियरी प्लस आपको क्लास के माध्यम से हमने बता दिया। इस वीडियो में हम बात करने वाले कॉन्ट्रा जो कि आप देख सकते हैं थियरी और प्रैक्टिकल दोनों देख सकते हैं। ऑलराइट, तो आज इस वीडियो में बात करने वाले कॉन्ट्रा बाउचर, कॉन्ट्रा बाउचर किसे कहते हैं। तो बाउचर आपने देखा, बाउचर क्या होता है, जितने भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन की एंट्री पास किया जाता है यहाँ पर अलग अलग स्टैंडर्ड बाउचर बनाए गए हैं। पेमेंट करना है तो पेमेंट बाउचर, रिसीट करना है रिसीट बाउचर, कॉन्ट्रा एक बैंक से दूसरे बैंक में करना है तो अभी ये बताएंगे कैसे क्या होता है कॉन्ट्रा बाउचर। तो चलिए देखते हैं कॉन्ट्रा बाउचर किसे कहते हैं। तो टेल मी अबाउट कॉन्ट्रा बाउचर। सर कॉन्ट्रा बाउचर मनी को बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करना, डिपॉजिट करना, विड्रॉ करना और वही बैंक में ट्रांसफ़र करना, जैसे कैश टू बैंक ट्रांसफ़र करना, कैश टू बैंक विड्रॉ करना और कैश टू बैंक डिपॉजिट करना, कैश टू पेटी कैश एंड बैंक टू कैश। वेरी गुड। कहने का मतलब है कि कॉन्ट्रा बाउचर किसे कहते हैं, एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा को ट्रांसफर करना, विड्रॉ करना, डिपॉजिट करना ही क्या कहलाता है, कॉन्ट्रा कहलाता है। इस तरह के एंट्री हम किस में पास करेंगे, कॉन्ट्रा बाउचर में। जैसे एग्जांपल में कैश टू बैंक क्या करना, डिपॉजिट करना, कैश टू बैंक क्या करना, विड्रॉ करना, कैश टू पेटी कैश क्या करना, ट्रांसफर करना और बैंक टू बैंक क्या करना, ट्रांसफर करना। ठीक है, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपने देखा ए डिफिनेशन है जिसकी शॉर्टकट की क्या कॉन्ट्रा का, F4 सर। F4 है। F4 किसका है, कॉन्ट्रा का। F5 किसका है, पेमेंट का। F6 किसका है, रिसीट का, जो कि तीनों आज आप देखेंगे मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो यहाँ पर आप बताइएगा, तो जैसे हम एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं कॉन्ट्रा बाउचर के, एक सवाल मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ और जब भी सवाल आपको मिलेगा सबसे पहले आपको क्या करना होगा। तो पहला सवाल मैं इनसे पूछने वाला हूँ कि 1 मार्च 2024 को अब हंजला डिपॉजिट मनी 50,000 रुपये कैश इंटू UBI बैंक, आपका कौन सा बैंक है, UBI। तो UBI बैंक में हमने 50,000 रुपये यहाँ पर जमा किए। तो सवाल क्या था आप देख सकते हैं, एक मार्च 2024 को हंजला डिपॉजिट मनी 50,000 रुपये कैश इनटू UBI बैंक। तो सबसे पहले सवाल हमने दिखा दिया, तो सवाल देखने के बाद हमको क्या करना होता है, सबसे पहले हमें गोल्डन रूल पता करना है अकाउंट का। हाँ। और अकाउंट क्या है वो पता करना चाहिए और अकाउंट की कौन सी टाइप से वो पता करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, अकाउंट कौन सा है, दो इसमें कौन कौन सा है, सर UBI अकाउंट है और कैश अकाउंट। वेरी गुड। तो यहाँ पर दो अकाउंट आपको पता करना है कि कौन मतलब जमा कर रहा है और कौन रिसीव कर रहा है। तो पैसा कौन जमा कर रहा है, तो डिपॉजिट वाली बात हुई, तो कैश हम जमा कर रहे हैं कितना, 50,000 रुपये कहाँ पर जमा कर रहे हैं, UBI बैंक में। तो दो अकाउंट कौन सा, कैश अकाउंट और आप देखे हैं कौन सा, UBI बैंक। ओके, तो उसके बाद हमको पता करना है कि कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है, तो कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है, कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट है। उसके बाद हमको क्या करना है, गोल्डन रूल पता करना है, तो गोल्डन रूल कौन सा है, तो कैश अकाउंट का गोल्डन रूल कौन सा है, सर रियल अकाउंट का गोल्डन रूल होता है CR व्हाट गोज आउट, DR व्हाट कम्स इन। तो इसमें कौन सा है इस समय, तो यहाँ पर हम समय सर CR है, सर CR है। CR का गोल्डन रूल क्या कहता है, जो व्यापार से वस्तु जाए या इंग्लिश में आप बोल सकते व्हाट गोज आउट। अगर मैं पूछूं बैंक अकाउंट कौन से अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या कहता है, CR द गिवर, DR द रिसीवर। वेरी गुड। तो CR द क्या होता है, गिवर और DR द क्या होता है, रिसीवर। तो बैंक UBI बैंक में हम रिसीव करेंगे पैसा, तो रिसीव यहाँ पर DR रहेगा, तो DR द रिसीवर। तो आपने देखा सबसे पहले एक सवाल देखिए, उसमें देखिए दो खाते कौन सा है, पर्सनल अकाउंट है कि रियल अकाउंट है, उसका गोल्डन रूल पता करिए। अगर आपको ये सब नहीं पता है आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं, इसका पूरा
एक्सपोज किया गया है, इसका विस्तार से बढ़िया से बताया गया है। तो आपने देखा रिसीट वाउचर किसे कहते हैं, पेमेंट किसे कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे परचेज क्या होता है, सेल क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।